वो क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, डॉक्टर नाम के डूब पे मर, अगर थोड़ी भी हया और गैरत बाकी भी आपके अंदर है तो डूब के मर, ढक्कन के अंदर। आपके पास कहाँ है हया, ना आपको माँ होगी, ना आपको बेटी होगी, ना बहन होगी। अगर इनकी इज्जत का आपको थोड़ी भी ख्याल होता ना, शायद आप ऐसे नहीं करता ना। आपके अंदर ना इंसानियत है, ना बाप का दर्द है, आप ऐसी बस बातें कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। लोग अभी बहुत सारे जान चुके हैं एपी सिंह आपकी घटिया हरकतों से, ये याद रखना। आप कुछ भी करो, कानून से बालादस्त नहीं हो, ठीक है। हम मालाती हालात से थोड़ा कमज़ोर हैं, मैं मानता हूँ। आप अपने जो बबकियाँ देती हो, ये आपका गर्दन तो मैं मरोड़ूंगा ज़रूर, ये याद रखना। पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम मेरे साथ है, मुझे पूरी अल्लाह पे विश्वास है, ऊपर वाली ज़ात पे। आप जो घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, और 4 साल पहले बोलते हैं सीमा तुम्हारी पति था, तो एजेंट हो दलाल, आपको क्या पता सीमा को तुम्हारा बाप खर्चा देता था? सीमा का खर्चा कौन अफोर्ड करता था? बच्चे स्कूल जाते थे, तुम्हारा बाप भेजता था, तू भेजता था? एजेंट दलाल घटिया है आप, एक घटिया। शर्म नहीं आता ऐसी बातें में? हाँ, बातें करने से पहले थोड़ा शर्म और हया सीख के बातें करो कि आप कौन सी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। बेगरत बोलते हैं हैदर को तो क्या है, यूट्यूब का शौक है। मुझे यूट्यूब का कोई शौक नहीं है। नंगा आप बहनों को नचवा रहे हो, बहन मानकर यूट्यूब में, तो तू नंगा नचवा रहे अपनी बहन, बहन करता है उसको, बेशरम बेहया बेगरत। थोड़ी सी भी हया अगर आपको आपके अंदर जिस्म में बाकी भी गैरत थोड़ी होती, औरतों को नचवा तू रहे। बोलते मैं तो बहुत इस रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। आंखें ऐसे नीचे करके बात किया करो दलाल, सीमा का दलाल। सीमा भी चंद दिनों में पाकिस्तान आएगा, ये याद रखना, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी आके आपको दिखाऊंगा मैं। तमाम भाई बहन हमारे साथ हैं, कानून कानून के अंदर, कानून के दायरे में रहकर हम जो काम करेंगे ना, आपके सोच से भी बाहर है, ये याद रखना। तू सोचता है नहीं आएगा, हम इंडिया भी आएंगे। बाकी तू मेरी चौथी शादी करवा रहा है तो आप कौन दे रहे है? बहन दे रहे है, बेटी दे रहे है? मेरा रिश्ता आप जो कर रहे है तो कौन दे रहे है? मुझे बता तो सही दलाल। बोलते हैं हैदर चौथी शादी कर, शर्म नहीं है आपको? एक बाप परेशान है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, क्रिमिनल बेगरत बेहया। आपको थोड़ी सी भी अगर गैरत शर्म अगर हया, थूते तुम्हारी लानत है तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर, बेशरम घटिया। तू मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे है, शर्म नहीं है? उस यूट्यूबर को भी शायद उनके पास भी बहन या बेटी नहीं होगा, ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इसका गला दबा, उधर पकड़ो तो सही। हैदर आपने जिस जारहाना तरीके से बात की है, जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, आप वाकई हैदर है। यकीन माने जिस तरह आपने अपने बच्चों को डिफेंड किया है, एक बाप से बेहतर और कोई डिफेंड नहीं कर सकता। सलूट है हैदर आपको, यकीन मानो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और सीमा ने जो कुछ किया है उसको करार वाकई सजा मिलेगी। ये हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, क्या इंडिया के लोग, क्या पाकिस्तान के लोग, हम सब आपके साथ हैं। हैदर आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा, आपको आपके बच्चे मिलेंगे।